हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स स्पाइस। और जैसा कि आपको पता है, दो तीन दिन से आपका भाई एस्पेंट रहा है, मतलब एब्सेंट रहा है। और एब्सेंट होने की वजह ये थी कि एक तो घर में काम मसरूफियत बड़ी थी और ऊपर से तबीयत भी नहीं सही। आजकल मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से तबीयत थोड़ी अपसेट चल रही है, आपको पता है। वरना मैं स्पोर्ट्स स्पाइस शुरू कर देनी थी, वर्ल्ड कप शुरू हो गया हुआ है। और कोशिश है मेरी के ऑफिस के साथ साथ मैं ये भी जारी रखूं और आपको महसूस करता रहूं मैं अपने अच्छी अच्छी वीडियो सब अच्छे अच्छे कंटेंट से। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मैंने ये सोचा था कि पाकिस्तान के मैच के बाद ना तो मैं ना एक वीडियो बनाया करूंगा, मगर इतने मैचेस हो रहे हैं, इतने वार्म अप मैचेस हैं और इतनी न्यूज़ है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं डेली भी बना लूँ या देखूंगा आहिस्ता आहिस्ता। जो आप आगे कहेंगे आपको पसंद आएगा तो भाई ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। अभी भी आपको लग रहा होगा कि गला मेरा थोड़ा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो यही है कि इस वजह से कि तबीयत ख़राब है। फिर भी आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। एडिटिंग में देर लग जाती है क्योंकि मुश्किल होती है एडिट करना, पहले इस तरह बनाना फिर एडिट करना फिर अपलोड करना, मतलब फिर सब कुछ मैंने ही करना, तो फिर आपको भाई जानते हैं। खैर ये सारी बोंगियाँ छोड़ें, हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो दो तीन दिन पहले मेरे बॉबी, आपके बॉबी, पूरे पाकिस्तान का बॉबी, फखरे पाकिस्तान, शान पाकिस्तान, उसकी बर्थडे थी। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू माई किंग, माई गॉड। कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो बाबर आजम ने नहीं तोड़ा हुआ गाइस? फास्टेस्ट 2000, 3000, 4000 रन्स पे पहुंचा हुआ है। और एशिया में सबसे ज़्यादा स्कोर 10,000 उसने सबसे कम इनिंग में मारे हुए हैं एशियन में। जहाँ जिस लिस्ट में विराट कोहली, सुनील गावस्कर, जवेद मियां दास जैसे बड़े बड़े बैट्समैन हैं, उन सबका रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। और कितने रिकॉर्ड हैं जो मैं बता भी नहीं सकता। दुनिया का एक ही बैटर है जो कि टॉप थ्री में आता है तीनों रैंकिंग्स में, और हमें क्या चाहिए? फिर लोग कहते हैं बाबर आजम अच्छा बैट्समैन नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो ना मैंने कहा चलो बोर होना, क्या नामीबिया श्रीलंका, श्रीलंका जीत जाएगा, तो जी न्यूज़ ये आई जी। तो मैं देख रहा मैच में तो हैरान हो गया श्रीलंका को देख के कि वही टीम है जो हमारे खिलाफ खेलती है। खैर नामीबिया ने उनको 55 रन से हराया, मैं तो हैरान हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू नामीबिया, डे ऑफ अपसेट्स था। और नामीबिया, श्रीलंका हार गया, वेस्ट इंडीज हार गया स्कॉटलैंड से, मतलब अजीब हो रहा था। उसके बाद मैच हुआ जिम्बाब्वे और आयरलैंड का, हुआ वहाँ पर सिकंदराबाद, बट वो भी स्कोर कर गया, वहाँ पे जिम्बाब्वे जीत गया। और एक और मैच हुआ था यूएई और नेदरलैंड का मैच हुआ गया, वो भी बड़ा क्लोज मैच होके भी नेदरलैंड जीत गई। यूएई की बॉलिंग भी मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगी, उनकी बैटिंग थोड़ी हल्की है मगर ये बॉलिंग बहुत अच्छी है। वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत गया, बांग्लादेश अफगानिस्तान से हार गया वार्म अप मैच। उसके बाद एक और वो वार्म अप मैच हुआ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, जो कि साउथ अफ्रीका जीत गया न्यूजीलैंड। हम जिसको हराते ना वो सोचते रहते कि हमने ओवरकम कैसे करना है, ऐसा हमारे आते हैं अगले को गाइस। खैर वो साउथ अफ्रीका जीत गया, पाकिस्तान हार गया इंग्लैंड से, हमने जरा चारा डाला है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आज भी दो मैचेस हुए गए, श्रीलंका और उसका मैच हुआ यूएई का। यूएई की बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, वो उनका वो स्पिनर था महेश नाम था शायद कोई उसका, तो उसने हैट्रिक की, वो मैं लाइव देख रहा, मैं तो हैरान हो गया, बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रहा था। श्रीलंका ही उन्होंने पकड़ लिया, फील्डिंग बहुत अच्छी की उन लोगों ने, वो भी जीत गया आज का मैच। सबसे पहले मैच हुआ सुबह नेदरलैंड और नामीबिया का, जो कि नेदरलैंड जीत गई, मेरे ख्याल में 122 का टारगेट था, वहाँ पे भी नेदरलैंड जीत गई, नामीबिया से भी जीत गए वो लोग, और नेदरलैंड वेस्ट इंडीज से भी जीत गए। तो लग रहा है जैसे नेदरलैंड और हो सकता है कि दूसरे ग्रुप में से जिम्बाब्वे शायद पहले क्वालिफाई, क्योंकि जिम्बाब्वे भी गाइस बड़ी फॉर्म में लग रही है मुझे। खैर ये सब तो हो रहा है, रेगुलर मैचेस हो रहे हैं, मज़े के लग रहे हैं मैचेस, पहले इंटेंसिटी वाले इतने हैं। ऊपर से 23 अक्टूबर आने वाली है, वो मैच का अलग इंतज़ार है, सुना उस दिन भी बारिश होनी है। तो अब कल का मैच है, वहाँ पर भी वार्म अप मैच है हमारा अफगानिस्तान के साथ, तो वो भी कह रहे हैं बारिश हो जाए, मैच का तो हो जाए, वरना अभी एक दूसरे के हम वो करते रहेंगे रोस्ट वगैरह, तो फ़ायदा कोई नहीं होना। मीम तो हमारा कंटेंट तो बन जाता है मगर अच्छा नहीं लगता। उसके बाद गाइस एक ना मतलब सब कुछ सही जा रहा है लाइफ में, एक चुस मार देते हैं ना जब इंडियन बोर्ड, मतलब आप इनके ये पैनल देखें जो नई इनकी आई है, सौरभ गंगुली को हटा के ये रोजर बिनी रोजर जो भी है इसको लगाया है,
नीचे वो जय शाह और वो शुक्ला, इन सबको लगा के मतलब सारी वो मोदी सरकार के बंदे, मतलब अच्छा भला रिलेशन है हम दोनों का बन रहा है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स, वो कोहली, बाबर आजम और ये रोहित शर्मा के साथ इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें, कपल वेडिंग शूट हो रहा है, और मतलब और क्या चाहिए। और ये लोग आके कह रहे हैं हमने पाकिस्तान नहीं आना, बंदा पूछे पाकिस्तान क्यों नहीं आना, हमने आपका क्या बिगाड़, हम कुछ आपका लेके भाग गए, आपके घर से भगा लिया कुछ। अजीब दिमाग खराब कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, फिर हम कहेंगे हमने वर्ल्ड कप में नहीं आना, फिर अजीब एक्सक्यूज है कोई इंडिया के एक दो पेज है, इतने कोई थर्ड क्लास होना यार आप लोग, ये पेज को कह रहा हूँ मैं, वरना लोग तो बेचारे नीचे उसी पेज के नीचे उन्हीं को गालियाँ दे रहे थे कि यार हमें इंतज़ार था इंडिया पाकिस्तान जाएगा तो हमें मज़ा आएगा, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पता नहीं क्या फैसला किया कि वही ना सर पॉलिटिक्स ले आते हैं अपनी बारी, हमेशा ही पॉलिटिक्स लेके आते हैं। फिर गए एक टाइम ऊपर से वही जो जय शाह है वो सेक्रेटरी बना है इंडियन बोर्ड का, उसके बाद वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी वो प्रेसिडेंट है, तो फिर जाहिर है यहाँ तो पाकिस्तान निकल जाए, मेरा तो ख्याल है इज्जत से ना निकल जाना चाहिए, ताकि पता हो हमने ना ऐसे जवाब नहीं देना। हमने भी फिर वर्ल्ड कप जाहिर है वो आईसीसी का गेम है, वो कहते नहीं हमें सीरीज़ खेलने नहीं जा सकते थे, चलो मान लें सीरीज़ खेलने नहीं जाना, ये तो टूर्नामेंट है यहाँ तो आना बनता था, मेरा नहीं ख्याल कैसे खर्च मारनी चाहिए थी, इतना मेरा दिल था, इतने हम वो होता है ना गए अभी इनकी वो साइकी समझे कि जहाँ पाकिस्तान इंडिया के लोगों में थोड़ा प्यार बढ़ना शुरू होता है ना कोई ऐसी बोंगी मार देता है ये इंडियन मीडिया या ताकि हमारे में ना वो हो ही ना पाए प्यार, जानबूझ के ऐसी कोई बोंगी मारेंगे कि हमारा जो प्यार बढ़ रहा है इनके मैच की वजह से, जो आपस में प्लेयर एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने जानबूझ के ऐसा पॉइंट इस पॉइंट में निकाला है मैच से पहले ताकि मैच की इंटेंसिटी बढ़ जाए। मैच की इंटेंसिटी तो वही रहनी है, जाहिर है वो न्यूजीलैंड ने आने से इनकार किया था, उनकी सिक्योरिटी हमने सही की थी, आपकी भी कर देंगे जाहिर है वर्ल्ड कप में भी मैच होने लगा है, फिर गुस्सा चढ़ाने वाली बात है यार मेरे प्लेयर्स को, हमें भी मतलब ऐसा क्रिकेट फैन आप और हम इतना मतलब डिस्टर्ब होते हैं ऐसे फजूल हरकतों से, आप अगर गेम की रिस्पेक्ट नहीं ना करेंगे गेम आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, एक टाइम आएगा आप कहेंगे हमारी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, वो इसी वजह से कि आपने हमेशा बोंगी मारनी और अपनी चलानी होती है, ऊपर से वो शायद फ्रीदीप उसका भी ट्वीट और भी बड़े बड़े लोगों के ट्वीट आए हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बिल्कुल नहीं अच्छी बात है और गुस्सा आना सबका जायज़ है इस पे जी। ऑस्ट्रेलिया में सुनील गावस्कर इतना बड़ा बैट्समैन, बाबर आजम को वो अपनी कोई टोपी वगैरह कैप वगैरह दे रहा था मैं थर्ड इन डिनर पे बुलाया था, तो वो इधर ये सब हो रहा है, जफियाँ जफियाँ डल रहे हैं, दोनों टीमें एक ही नेट्स में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मीडिया सामने ये इंडियन बोर्ड ने ये खर्च मार दी। मैं बड़े डिस्टर्ब, बड़ा अच्छा मेरा मूड था, मैंने कहा यार अच्छे मूड में वीडियो बनाऊंगा, मेरा इस सारा ना इतना मुझे गुस्सा आया ना, मैं अपने आप को कंट्रोल करने में 2 घंटे लग गए, उसके बाद अब मैंने कहा चलो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ अच्छे मूड में, मतलब आप लोगों को फिर सोचना चाहिए कि बहुत ही भोंगी मारी है कसम से, बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो। वनडे का कैप्टन जो ऑस्ट्रेलिया का बनाना था फिंच ने कहा था मैंने नहीं बनना, तो वो पैट कमिंस को उन्होंने बना दिया है, अच्छी बात है पैट कमिंस अगर टेस्ट में भी कैप्टनसी आ रहा है, इसका यहाँ पे बनता है लॉन्गर फॉर्मेट है, वैसे भी वनडे की गेम होती है कौन सी है। उसके बाद गए वो सचिन तेंदुलकर साहब जो हैं इतने बड़े बैट्समैन हैं, एक तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऊपर से ये इंडियन मीडिया और ये जो बोर्ड है ना हमें फिर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने से रोक देता है। खैर वो सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने कहा कि जी 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, और लगते भी यही है, तो अच्छी बात है ऐसे प्रेडिक्ट करना, मगर वो कहता है जी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी डार्क हॉर्सेस हैं, तो आ तो सारे गेम, मगर खैर जो 4 हैं टॉप 4 मुझे भी लगता है यही होंगे, बाकी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेंगे, अगर ये हमारी मतलब टीम पे आ गई इज्जत पे तो हमें वर्ल्ड कप जीतना पड़ेगा, हर हर फैंस जाते हैं कि उनकी टीम जीते वर्ल्ड कप, तो हमने इंशाल्लाह इस बार जीतना है। गाइस लास्ट न्यूज़ ये थी कि इंडियन वुमेन जो एशिया कप जीती है श्रीलंका से, है वो श्रीलंका ने हमारे खिलाफ चलना होता, मैं तो अजीब मसला उन लोगों को, खैर कोई नहीं दोस्ती के चक्कर में हमसे जीती जा रहे हैं, तो मुबारक हो इंडियन की वो जो वुमेन टीम है वो तो जीत गए एशिया कप, वही जीती जा रहे हैं, एक बांग्लादेश जीता है बीच में, बाकी सारे तो इंडियन वुमेन ही जीती है, तो खैर कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैम। और गाइस सॉरी अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ गुस्से में, एज अ फैन जब आप सुनेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई बोंगी मारी गुस्सा तो आपको भी आएगा, हालांकि हमने ऐसा कभी भी नहीं किया, हमेशा वहाँ से था कि हमने सीरीज नहीं खेलनी, हम तो बच्चे हैं, हम तो डलते हैं, हालांकि डरता रुटता कोई नहीं, जान बोझ के अपनी इज्जत गंवाने वाली बात होती है पूरी दुनिया में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप आपके भाई आपके साथ है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड कीप लाइकिंग वॉचिंग, सबसे पहले
पाकिस्तान जिंदाबाद, उसके बाद लॉजिकल शेरों।